हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम स्कॉलर। देखिए, आज हम इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि SPSS जो कि एक स्टैटिस्टिकल टूल है जहां पर हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन या फिर जो हम रिसर्च में जो हम एनालाइज करते हैं कोई भी डेटा, अगर हमारे पास बहुत बड़ा कोई डेटा है तो उसको हम एक टूल के हेल्प से जो है हम जो है इसको देखते हैं कि किस तरह से हम जो है डेटा को एनालाइज करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक टूल के बारे में समझने जा रहे हैं जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड SPSS। देखिए, SPSS तो वैसे काफ़ी रेनाउंड बोल सकते हैं कि मोस्ट एक्सेल के बाद, एक्सेल तो वैसे देखिए वाइडली यूज होता है हर इंडस्ट्री में, बट एक्सेल में क्या होता है जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तब जो है कई बार सॉफ्टवेयर लैग कर जाता है। तो इसलिए हमें जो है कुछ स्पेसिफिक जो है हमें स्टैटिस्टिकल टूल की हेल्प लेनी होती है जिससे हम डेटा को इजीली हम एनालाइज कर पाएं, राइट? तो देखें देखते हैं SPSS। देखिए, SPSS का ये सॉफ्टवेयर है। आफ्टर क्लिकिंग दिस, डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल, देखिए ये इस तरह का आपका ये जो है आपका विंडो ओपन होता है। जैसे आप ओपन करोगे ये आपका एक तरह का ही फर्स्ट आपका जो है विंडो ओपन होता है SPSS का। वन बाय हम धीरे धीरे समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है, ताकि आपको डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं, फिर कैसे इनके जो डेटा को कैसे हम अरेंज करते हैं, और फिर उसके बाद हम जो है वेरियस जितने भी हम एनालिटिकल टूल लगाते हैं या अपने जितने भी एनालिसिस हम जो भी लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो हम इजिली कर सकते हैं। बट पहले हमें देखना होगा कि हम डेटा को कैसे इम्पोर्ट करते हैं और फिर उसको अरेंज कैसे करते हैं, राइट? तो देखिए, ये आपके टूल बार हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है आपका, देखिए फाइल, यहाँ पर आप देखिए न्यू फाइल आप बना सकते हो, कोई अगर एग्जिस्टिंग फाइल है उसका डेटा आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओपन कोई डेटाबेस है, कोई क्वेरी है, वो आप इजीली कर सकते हो। ये अभी सेव एंड सेव एज का ऑप्शन अभी आपका डिसेबल्ड है। क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई काम नहीं किया है, राइट? देन वी हैव एडिट ऑप्शन, जहाँ पर आप इजीली कोई भी वेरिएबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, ये सब है, तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। व्यू हम जो है किस तरह देख सकते हैं, जैसे ग्रिड लाइन, अब देखो मैं हटा दूंगा तो देखो ये भी कोई प्लेन हो जाएगा, बट हम यहाँ पर जो है ग्रिड लाइन अगर लेते हैं तो हमें वो इजिली बेटर जो हमें प्रेजेंटेशन नज़र आती है। देन नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम बेसिकली एक नया वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए सैलरी है, ठीक है, मान लीजिए 10 एम्प्लॉई है उनका सैलरी है। अब हमें क्या चाहिए? उसका जो है हमें एवरेज चाहिए, तो उसका हमें एक अलग से वेरिएबल चाहिए होगा, तो हम जो है उसका एक रिकॉर्ड कर सकते हैं सेम वेरिएबल का, या एक नया डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे समझेंगे कि इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, राइट? देन वी हैव दी एनालाइज, दैट मीन्स अगर आप देखिए पूरे सॉफ्टवेयर में जो SPSS सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल दैट इज़ कॉल्ड एनालाइज। यानी कि अगर SPSS में अगर हम जितने भी हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, चाहे आप देखिए कोई भी रिपोर्ट देखनी हो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, ठीक है, या अगर आप ग्राफ देखना चाह रहे हो तो भी यहाँ से देख सकते हो, कोई टेबल है बनाना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। कंपेयर में देखिए टी टेस्ट हो गया आपका, एनोवा टेस्ट हो गया, पे टी टेस्ट हो गया, ये आप लगा सकते हो। इवन कोरिलेशन मॉडल लगा सकते हो आप, रिग्रेशन लगा सकते हो, ऐसे एन नंबर ऑफ आपके जो है काफ़ी सारे जो है एनालिसिस टूल है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे समझाएंगे जितने भी हमारे ऑप्शन ऊपर ऊपर हैं, धीरे धीरे करेंगे कैसे ग्राफ देख सकते हैं, यूटिलिटीज कैसे यूज करते हैं, वो सब हम देखेंगे वन बाय वन, राइट? अच्छा, जब आप SPSS ऑफर करते हो तो देखिए यहाँ पर आपके दो तरह के आपके व्यू होते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड डेटा व्यू, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड वेरिएबल व्यू, राइट? तो अभी जो हमने बात करी है वो सब आपका यहाँ पर है डेटा व्यू में है। डेटा व्यू में क्या है कि आपका आपने जो भी वेरिएबल ऐड किए हैं एक तरह से ये उसका, यानी कि जो जैसे आपके जो भी आपका डेटा जो आपने जैसे इम्पोर्ट किया है वो यहाँ पर शो करता है। जैसे आप वेरिएबल व्यू में जाते हैं, आपके वेरिएबल का आपका मोड क्या है, यानी कि आपका किस अरेंज में आप, ठीक है,
धीरे धीरे समझाते हैं, आपको थोड़ा समझ आएगा धीरे धीरे करके। देखिए डेटा व्यू का मतलब क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए ये मैंने एक क्वेश्चनर बनाया था, ठीक है। अब पहले आपको एक क्वेश्चनर दिखाता हूँ कि मैंने क्वेश्चनर किस तरीके से बनाया था। जैसे देखिए टॉपिक का नाम है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टर का क्या परसेप्शन रहा और उनका परसेप्शन का इम्पैक्ट, यानी कि कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है उनके परसेप्शन पे क्या रहा, कब रहा, कैसे रहा, दैट इज ऑन कोविड-19, बट पर्टिकुलर कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की बात कर रही है, ओनली ऑन म्यूचुअल फंड्स। यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बिफोर कोविड-19 हो सकता है उनको कुछ और परसेप्शन हो, है, देन कोविड आया तो हो सकता है अब उनके परसेप्शन कुछ अलग हो गए हों, राइट। तो ये हम जो है यहाँ पर इसके बेसिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया था और हम उसकी एंट्री देखेंगे और फिर देखेंगे इसको स्पेसेस में कैसे हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए पहले नेम, उसके बाद देखिए एज, एज में चार ऑप्शन थे, दैट इज 18 to 30, 31 to 45, 46 to 60 एंड देन अबव 60। देन नेक्स्ट वन दैट इज को रेडी टू जेंडर, दैट इज मेल फीमेल एंड अदर्स। देन इनकम बिलो 5 लाख, देन 5 लाख to 7 लाख 50,000, 7 लाख to 10 लाख एंड देन अबव 10 लाख। देन ऑक्यूपेशन स्टूडेंट एम्प्लॉई बिजनेस प्रोफेशन और रिटायर्ड। देन मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज नन, 1, 2, मोर देन 2, ठीक है। देन लाइक डू यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो अगर येस है सो स्किप टू क्वेश्चन नंबर 11, नो है देन स्किप टू ओनली क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए अगर जो लोग इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते तब भी उनकी कुछ परसेप्शन तो होगी कि वो क्यों नहीं करते, तो क्यों नहीं करते होंगे, दैट मीन्स विच मे बी वो सोचते होंगे दैट म्यूचुअल फंड्स आर वेरी रिस्की और दे डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड्स और दे बिलीव इन स्टेबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट, इसलिए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो उनकी भी देखिए हमें नॉलेज चेक कर ली कि वो क्यों नहीं करना चाह रहे। देन क्वेश्चन नंबर, अब उनके परसेप्शन यानी कि जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में उनकी बात हो रही है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हैं, तो ये धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से। तो मैंने ये क्वेश्चन क्वेश्चनर बनाया था एंड इस क्वेश्चनर के बेसिस पे हमको जो है ये रिस्पॉन्सेस ये मिले थे। देखिए टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज वी गॉट दैट इज कॉल्ड दैट इज 298, सॉरी 297, राइट। तो इस तरह से हैं ये एज जेंडर इनकम ऑक्यूपेशन मैरिटल स्टेटस नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन देन हाउ मैनी ऑफ देम बेसिकली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स येस और नो में पूछा था। देन सबके बेसिस पे कि कब उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट बेसिकली कब किया, पहले से करते हैं बिफोर कोविड-19 और आफ्टर कोविड-19 के बाद ही उन्होंने जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये अलग अलग परसेप्शन है, यानी कि किस इसके बेसिस पे उन्होंने जो है परसेप्शन का कैसे चेंज हो रहा है, क्या वो पहले से करते थे या उन्होंने ड्यूरिंग कोविड-19 ही उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, या फिर उनका परसेप्शन जो है नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंड करता है कि मेम्बर्स अगर हैं तो कई बार हम सिक्योर फील करते हैं कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये बस एक परसेप्शन है, मेरी परसेप्शन हो सकता है अल्टीमेट रिजल्ट कुछ और हो, ठीक है। तो या हो सकता है कि मेल फीमेल की अलग परसेप्शन हो, ठीक है। जनरली बोलते हैं कि मेल जो है वो लाइक रिस्क लवर होते हैं एंड फीमेल जो है वो रिस्क सीकर नहीं होते, ठीक है ना, तो रिस्क अवर्स पर्सन होते हैं। तो बस एक एक जनरलाइज है और कोई नहीं जनरल स्टेटमेंट, हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और भी हो। देन हो सकता है कि उनका परसेप्शन इनकम बेसिस पे हो, जो लो इनकम हो सकता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? हो सकता है दे बिलीव इन स्टेबल इनकम, राइट। तो कुछ ही हो सकता है, तो एक इसलिए मैंने क्वेश्चन जो मैंने बनाया था ताकि हम लोगों के परसेप्शन को इजिली हम मेजर कर सकें। अभी देख सकते हो कि डेटा जो है हमारे, देखिए ओवरली जो रिसर्च जो है वो किस टाइप की आपकी है, क्वांटिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव डेटा है एंड क्वालिटेटिव को, अब जैसे परसेप्शन है, परसेप्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, कि हम उनका परसेप्शन देखेंगे उसके हिसाब से उनकी स्कोरिंग होगी, रेंज दे देंगे उसके हिसाब से देखेंगे कि उनका जो है परसेप्शन कितना होगा, राइट। तो ये एक आपकी जो है क्या कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च है एंड इसको हम जो है एस्पेसिस में
जब लेके जाएंगे तब एनालाइज करेंगे। बट अभी हम इस वीडियो लेक्चर में सब ये देखेंगे कि अभी जो भी हमने रिस्पॉन्स कलेक्ट की है, ठीक है, तो उसको अब हम SPSS में कैसे इसको इम्पोर्ट करेंगे और फिर उसको कैसे अरेंज करेंगे। देखिए, इम्पोर्ट करना तो ईजी है, बट अरेंज करना वो दिखने में, अगर आपने अरेंज कर लिया देन फिर तो आपके हाथ में सिर्फ उसको एनालाइज करना है और कुछ नहीं। यानी कि बस आपको देखना है कि रिसर्च आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कि आप कौन से आप एनालिटिकल टूल यूज करना चाहते हो, राइट। तो देखिए, चलिए अब देखते हैं इसको SPSS में कैसे करेंगे। देखिए, ये आपका SPSS सॉफ्टवेयर है, आपको डेटा व्यू में जाना है, गो टू फाइल, गो टू ओपन, आपको डेटा इंपोर्ट करना है, गो टू डेटा, देन आपकी जो एक्सेल फाइल है जहाँ पर सेव है आप वहाँ पर लेके जाइए इसको। पहले तो आप देखो यहाँ पर एक्सेल पे सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन गो टू दैट पर्टिकुलर पाथ वेयर योर फाइल बेसिकली सेव्ड। देखिए, ये मेरी फाइल है रिस्पॉन्सेस, आप इसको एक्सेल पे फाइल ऑफ टाइप में आपको एक्सेल पे सेलेक्ट कर देना एंड देन क्लिक ऑन ओपन। ओके, अभी देखिए आपकी ये पूरी फाइल जो है आपकी यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। देखिए, डेटा व्यू में आपका क्या किस तरह का डेटा आएगा, बस आपने जो भी यहाँ पर इसको पूरा जो है इंपोर्ट करा तो डेटा व्यू में आ गया। अब देखिए, वेरिएबल व्यू में आपने कुछ नहीं करा, यानी कि आपने वेरिएबल में हमने बताया कि कौन से वेरिएबल है, बट ये कैसे आया ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, वेरिएबल कैसे देखते हैं वो, डेटा व्यू कैसे देखते हैं, सीखिए। देखिए, अगर आप एक्सेल शीट जहाँ से देखो तो देखिए डेटा व्यू यही है। आप देखिए, डेटा व्यू आपका पूरा यही है, ठीक है। अच्छा, इसमें SPSS में बेसिकली आपके ना, जब भी आप फाइल करते हो तो बेसिकली दो टाइप की आपके फाइल ओपन हो जाती है। ये आपका इनपुट डेटा है, यानी कि जहाँ पर आप अपने इनपुट को आप अरेंज करते हो, एंड देन आपका यहाँ पर देखिए ये आपका आउटपुट है। अभी हमने कुछ नहीं किया सो इसलिए अभी आपको ये ब्लैंक शो कर रहा है, तो अब यहाँ पर मैं बंद कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कंटेंट नो, ठीक है। तो ये आपका डेटा भी देखिए एंड ये देखिए बिल्कुल सिमिलर है, दैट इज रेडी टू एक्स। आप देख सकते हैं बिल्कुल डिटो सेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं करा, राइट। अब ऊपर नाम देखिए क्या क्या लिखा है, देखो नेम, एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, ये क्या है। ये हमने जो रिस्पॉन्सेज जो क्वेश्चन पूछे थे वही है कि उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, ये बेसिकली है, दिस आर दी वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, दैट मीन्स वो डेटा जिसको हम देखिए वेरिएबल्स क्या होता है, जिस वो डेटा जिसको हम इजिली मीन्स वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो डेटा हो गया। अब वेरिएबल क्या हो गया, जैसे ये सब हो गए, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, ये हो गए, ये वही शो कर रहे थे, ये नेम, एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वेदर डू यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और नॉट, देन वेन डिड यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ये सब वही है, देखिए और कुछ नहीं कर रहा मैं। अब करना क्या है आपको, आपको यहाँ पर देखना है, देखिए आपका जैसे देखिए ये नेम है, टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जैसे देखा जाए टाइप क्या क्या है, नोमेरिक है, कोमा है, डॉट, तो ये स्ट्रिंग में, क्योंकि नेम किस में आता है, अल्फाबेट में आता है, तो इन्वर्टेड कोमा में आता है, तो स्ट्रिंग में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। विड्थ आप चाहे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्डेंट का नेम क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, यह पर डिपेंड करता है। अच्छा, वैसे देखिए वेरिएबल में नेम का वैसे कोई यूज़ नहीं है भाई, मान लीजिए नेम चाहे कोई भी हो, मतलब नहीं है। अब किसी का नाम अगर रोहित है, ठीक है, किसी का नाम अगर रमन है, तो मतलब ही नहीं हमें कि कुछ भी नाम, हमें क्या मतलब नाम का, जैसे रिस्पोंडेंट के कुछ भी मतलब। हाँ, नाम जैसे मान लीजिए एक का नाम है ऋषि, ठीक है, एक का नाम है रिंकी, तो ये तो पता लगा नाम से कि ये लड़का है और ये लड़की है, बट उसके लिए हम जेंडर तो पूछ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नेम का देखें, यहाँ पर देखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नेम एज वेरिएबल अगर आप ऐड ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं फिर भी यहाँ पर समझाएंगे आपको, बस बता रहा हूँ कुछ। फिर दबा सकते हो देन डेसिमल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपका, क्योंकि ये नंबर्स में है नहीं। लेबल आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, लाइक नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट आप यहाँ लिख सकते हो इजीली, कोई वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखना जब भी देखना नेम यहाँ पर ना, जो भी आप टाइप करोगे ना यहाँ पर, देखिए नेम स्पेस नहीं आएगा, इन समय स्पेस नहीं आएगा,
जैसे कि आप देखो एज इन, यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, देन मेटेसिस देखो स्पेस नहीं है, ठीक है स्पेस नहीं आएगा। अगर आपको स्पेस करना है तो यूज अंडरस्कोर, जैसे मान लीजिए लिख रहा हूँ मैं नेम देन ऑफ, तो अंडरस्कोर ऑफ ऐसे। अगर आप मान लीजिए लिखा स्पेस ऑफ, वो आएगा ही नहीं, एंटर करूंगा देखो यहाँ पे कहेगा वेरिएबल नेम कंटेन एन इलीगल कैरेक्टर, सो डोंट यूज स्पेस इन एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। ऑलराइट, लेबल हो गया आपका, देन वैल्यू। नेम में देखिए वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आपको समझना होगा कि इस वैल्यू की नीड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है कॉलम है आपका। देन मिसिंग, मिसिंग तो हमारे कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम 30 है, अलाइन आप कुछ भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी कर सकते हो। नॉमिनल, हाँ मेजर में आप देख सकते हो कि आपका जो डेटा है यानी कि जो आपके वेरिएबल है वो किस टाइप का है। वैसे कि चार टाइप के होते हैं आपके, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो एंड स्केल। ठीक है, नेम है तो वो देखिए नॉमिनल है, दिक्कत नहीं इसमें। रोल क्या आपका, यस ये तो आपका इनपुट है, कोई दिक्कत नहीं है। एज इन ईयर्स, एज यहाँ पर देखिए आप देखिए डेटा व्यू में देखिए एज किस में आपका, ये अल्फाबेट में था नहीं, ऑब्वियस न्यूमेरिकल व्यू में है तो आप उसको न्यूमेरिकल व्यू में करेंगे। गो टू न्यूमेरिक, देन विड्थ आप कुछ भी कर सकते हो, डेसिमल आप कुछ भी कर सकते हो, एज इन ईयर्स हो गया, वैल्यू यस। देखिए वैल्यू का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर देखिए आपने जो रिस्पॉन्स से क्वेश्चन पूछे हैं किस रिलेटेड पूछा आपने, एज ऐसे देखिए ये पर्सन है इसकी एज लाई करती है 18 to 30, इस पर्सन की भी एज लाई कर रही है 18 to 30। ठीक है, इस पर्सन नेम नाम नहीं बना, इसकी एज हो रही है 31 to 45। तो देखिए हमें नहीं पता कि कौन सा जो है रिस्पोंडेंट जो है वो कहाँ पर है, तो डिफिकल्ट होता है कई बार कि अरेंज करने में कि भाई यह पर्सन जो इस एज के ग्रुप में लाई कर रहा है, यह पर्सन इस गेज के ग्रुप में कर रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको एक ग्रुप में जो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं, जैसे ये वैल्यूज़ का कॉलम आपका वेरिएबल में जब जाएंगे आप वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे देखिए वैल्यू क्या है, हम पहले दे रहे हैं 1, लेबल इसको देना चाह रहे हैं, जैसे देखिए कि 18 to 30 जो एज ग्रुप है उसका हम वैल्यू देना 1। ठीक है, तो उसको ऐड कर सकते हैं सिंपल अगेन 1 sorry 2, सेकेंड ग्रुप क्या आपका दैट इज 31 to 45, क्लिक ऑन ऐड, देन 3, थर्ड ग्रुप आपका है दैट इज 32 46 to 60, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए यही आपका है एज सारा। देखिए अच्छा इसमें देखना कि जो भी आप वैल्यूज हो गए लेबल जो कर रहे हो इसमें बिल्कुल डिट्टो वही करोगे जो आपने हमारे, कोई स्पेस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कुछ नहीं, अदरवाइज फिर गलत और गलत हो जाएगा आपका। फोर लेवल ऐसे अबव 16 ऐड। ठीक है, तो देखिए 1 18 to 30 फर्स्ट ग्रुप हो गया, 2 31 to 45, 3 46 to 60, देन 4 अबव 16। तो अब इसी कर सकते हो, मान लीजिए आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और फिर ऐड कर सकते हो इजीली, गो टू ऐड। जस्ट प्रेस ओके, दैट्स इट। तो देखिए यहाँ पर आपकी डेटा जो आपके यहाँ पर अरेंज हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं, मिसिंग हमारे को है नहीं, कॉलम आप है नहीं, अलाइन आप सेंटर कर सकते हो। डेटा देखिए तीन डेटा दिखा रहा है, तो क्या स्केल में है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है। ठीक है, देखिए नॉमिनल आपको क्या होता है, नॉमिनल बेसिकली आपका कि डेटा आपका नॉमिनल ऑर्डिनल है स्केल है, इसके मैं अलग से वीडियो लेक्चर में मैं डालूंगा। तो अभी ये वैसे क्या है, ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल कैसे, क्योंकि मैंने रेंज दी हुई है, ठीक है ना, एक ऑर्डर दिया हुआ है मैंने इसमें, ऑर्डर ऑर्डिनल सेंस आपको ये किया है कि एक ऑर्डर में है। ठीक है ना, यानी कि जो 18 to 30 में उसको मैंने फर्स्ट में डाल दिया, देन जो 31 to 45 को सेकेंड ऑर्डर दे दिया, एक और ऑर्डर मैंने एक रैंक बेसिस पे दिया है। ठीक है, तो आप कर सकते हो स्केल में, आप वो भी कर सकते हो आप उसको। तो वैसे तो कि एज मान लीजिए आपकी पर्टिकुलर एज कुछ भी हो, जैसे 45 हो, 46 हो, 50 हो, कुछ भी हो, तो अगर कोई इस तरह पूछा तो आपका स्केल में आता है। ठीक है, तो वैसे देखिए एज जो हमेशा किस होता है आपका स्केल बेसिस पर होता है, तो यहाँ पर मैंने स्केल कर दिया एंड ये तो आपका हमेशा इनपुट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन जेंडर,
वैसे देखिए जेंडर क्या होता है, मेल फीमेल, ऑब्वियसली ये आपका न्यूमेरिकल होता नहीं है, अल्फाबेट होता है। एक्सेल में हमने देखिए ऐसे पूछा था मेल फीमेल, ठीक है। बट होता क्या है, जब हम जेंडर करते हैं तो उसको हम इसको भी हम एक अलग ग्रुप देते हैं ताकि डेटा हम इजिली जो एनालाइज कर सकते हैं। तो इसको आप न्यूमेरिक में कर दीजिए एंड देन जस्ट क्लिक ओके, ठीक है। अब वैल्यूज में आपको देनी होगी, कैसे वैल्यूज, ऐसे मान लीजिए 1 फॉर सपोज मेल, ठीक है, या 0 भी दे सकते हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 भी दे सकते हो, जैसे मान लीजिए 0, ठीक है। देन 1 फॉर फीमेल, दैट्स इट, ऐड। अच्छा देखना, मैंने फिर भी बोल रहा हूँ स्पेलिंग एज वेल एज, अगर चेक करना है आपको कि कौन सा आपने जो है ये स्पेलिंग ठीक लिखी लेगी, कैसे चेक करना है आपको, जो रिस्पोंडेंट कैसे दी, देखिए फीमेल एफ आपका जो है कैपिटल में था, एम कैपिटल में था, बाकी सारे आपके जो है वो अल्फाबेट छोटे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो। देन बेस्ट प्रेस ओके, हो गया। आप अलाइन अप कर सकते हो, सेंटर, जेंडर, ये तो आपका नॉर्मल डेटा है, दैट्स इट। अब इसका डेटा व्यू में आइए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ऐसे इस तरह देखो, वन बाय वन आप कर सकते हो इजीली, इसको आप इजीली वन बाय वन करोगे। तो मैं देखिए यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर मैंने आपका डेटा जो है ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, आप इजीली देख सकते हो। देखिए डेटा सारा ऑलरेडी फिल्ड अप है, वही सेम आपका एज देखिए यहाँ पर, वही सेम है आपका मेल फीमेल, वो सब है आपका। इनकम देखिए यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज यहाँ पर देखी वो डाली हुई है, 1 फॉर बिलो 5 लाख, 2 फॉर 5 लाख टू 7 लाख 50 थाउजेंड, ऐसे मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया इनको। देन ऑक्यूपेशन है, इसको भी मैंने अलग ग्रुप दे दिया, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, बिजनेस प्रोफेशनल है, रिटायर्ड पर्सन है, उनके अलग अलग ग्रुप डाल दिए मैंने। देन मैरिटल स्टेटस को भी, मैरिड अनमैरिड हो गया आपका, राइट। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन होगा आपका नन, 1, 2, मोर देन 3, तो मैंने इस तरह से इनकी वैल्यूज जो है यहाँ पर मैंने असाइन कर दी, राइट। तो अब आप डेटा व्यू में जाके देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से पहले था, ये देखिए यहाँ पर आप इसको जो है वैल्यू लेबल में, यानी कि आपने कौन सी वेरिएबल को क्या वैल्यू दी है, इनको क्या लेबल दी है, आप इसे देख सकते हो। देखिए अगर मुझे चेक करना है कि 31 to 45 को मैंने क्या लेवल दिया है, तो देखिए वो 2 यहाँ पर आ गया, बस इसको आप चेक कर सकते हो इजीली आप। तो मैंने देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सभी को देखिए, सबके सब ये नंबर्स में है। नंबर्स में क्यों है, बिकॉज देखिए मुझे लोगों का परसेप्शन जानना है, तो मुझे मैं किस तरह कर सकता हूँ। देखिए मैंने आपको बोला ये रिसर्च क्या आपका क्या क्या क्वालिटेटिव हो, तो मैंने क्या करा, क्वालिटेटिव डेटा को मैंने पहले क्वांटिटी में कन्वर्ट किया ताकि मैं लोगों के परसेप्शन को इजिली मेजर कर सकूँ, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ इम्पोर्टिंग द डेटा एंड दिस इज द वे ऑफ अरेंजिंग द डेटा, ठीक है। अभी जितने भी मेरे अपकमिंग लेक्चर वीडियो आएंगे उसमें देखेंगे कि डेटा को कैसे इस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल।